ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। अब आपको पता होगा लास्ट एपिसोड में फ्रैंकलिन की जो गाड़ी थी जो कि प्राइम मिनिस्टर से चुराई थी वो पकड़ ली गई थी और फ्रैंकलिन को उठा के फेंक दिया था जेल के अंदर। अब यहाँ पर जेल से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बाहर निकलेंगे तो होगा क्या जिंदगी में। तो अभी सीन क्या है, फ्रैंकलिन कुछ भी नहीं कर सकता है, पूरा एरिया छान लिया, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब पता चल चुका है बाहर कैसे निकलना है। तो भाई बाहर निकलने के लिए चाहिए होगी सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, माइकल की हेल्प। तो सबसे पहले मैं भी जितना भी प्लान है वो कॉल करके बता दिया मैंने माइकल को, यहाँ से कॉल करके सब कुछ उसे प्लान बता चुके हैं। अब बाकी का काम जो है माइकल करेगा, बस हमें एक काम करना है, किसी एक गार्ड को मार के उसकी गन छीननी है। तो चलो यार सबसे पहले चलते हैं, किसी गार्ड को लपेटते हैं और उसकी गन छीन लेते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से भागने लगेंगे ना भाई गन बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, अदरवाइज भैया कुछ नहीं होने वाला। तो ये रहा गार्ड, चुपचाप से इसके एक पट से हेडशॉट। अब यहाँ पर इसकी मेरे को गन चाहिए, बाकी तीन भैंस की टंग M416 दे तू। M4 भाई सब क्या खा के खेल रहा है। ओके तो अभी मेरे पास गन तो आ गई है लेकिन एमओ बहुत कम है, तो रुक जाओ एक आध गार्ड को और लपेटना पड़ेगा भाई। अभी गन चाहिए क्योंकि रात में अपने को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जब एकदम अंधेरी रात हो जाएगी। तो भाई पूरा प्लान अभी देखते जाओ सब कुछ क्या क्या प्लान इन्होंने कर रखा है। अभी इसके बाद जो है सारा मेन काम ना माइकल का है, इसका काम तो फिर भी आसानी से बस बैठ के भागना है, मेन काम माइकल का, उसे अभी बहुत कुछ करना है, देखते जाओ। ओके तो इनके पास होती है गन जो ऊपर खड़े होते हैं, रुक जाओ मैं इसके घूसे मारूंगा ना पहले, तब ये गन निकालेगा मेरे को मारने के लिए, तब मैं इसकी गन छीन लूंगा। चलो चलते हैं ऊपर। ओके हेलो, ओए गंदे चल, गंदे तेरी भैंस की टांग, ओए लगनी नहीं चाहिए। हाँ ओहो हटे हटियो, बदमाश बन रहा कहीं का है बे, बदमाश बनेगा तू, बदमाश बनेगा, गंदे मेरे को गंदे। अभी क्या अभी निकाल, ओ भाई सायरन बच गया, वैसे कुछ कहते नहीं ये लोग, नकली आदमी है सारे। ओके तो अपने पास एमओ भी हो चुका है, ठीक है इतनी एमओ बहुत अच्छा लेगी क्योंकि अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बाकी देखते हैं क्या सीन है। अब यहाँ पर अभी रात होने का इंतजार करते हैं और भी चलते हैं, मेन जो काम है ना वो माइकल से करवाना है हमें। तो फटाफट अब चलते हैं सीधा पहले माइकल के पास, क्योंकि सब कुछ जो मेन काम है वो माइकल करने वाला है, फ्रैंकलिन ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। तो चलो यार माइकल भी अपना पूरा का पूरा ड्रेसअप हो चुका है, यहाँ पर आप इसका हेड देख पा रहे हो, मतलब कितना तगड़ा इसने मास्क लगाया ना भाई, तीन चार पुलिस वाले तो इसकी शक्ल देख के ही मर जाएंगे। अब यहाँ पर माइकल को सबसे मुश्किल काम ये करना है कि भाई इस सिटी में एक बहुत ही रिच पर्सन रहता है जिसके पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, तो हमें सबसे पहले उसकी छत पर जाना है किसी भी रास्ते से और उसका हेलीकॉप्टर लेकर निकलना है। अब हेलीकॉप्टर चुराना मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको ड्राइव करके उस पुलिस वालों के पास वहां से फ्रैंकलिन को उठाना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। चलो यार सबसे पहले चलते हैं उस हेलीकॉप्टर को चुराने। तो ये आ गया मेरा गैराज जिसके अंदर मेरी प्यारी सी लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, आप सबकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, मेरी तो हद से ज्यादा फेवरेट है भाई, मेरा तो मन करता है सीधे चले जाऊं, लेकिन यार भैया ना चोरी वोरी की बहुत दिक्कत रहती है भाई, ये बंदे नजर वजर मारते रहते हैं, देखो ये जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले यार मजाक नहीं, अभी मजाक से हट के सीरियस काम है बहुत, वरना फ्रैंकलिन भैया उम्र कैद हो जाएगी उसको, और यहाँ ये माइकल मजे लेता रह जाएगा, तो उसे बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सीरियस होकर चलेंगे अभी हम। तो अभी हमें जाना कहाँ पर है ये तो पहले मैंने देखा ही नहीं, तो हमारे को जहाँ जाना है वो जगह है यहाँ पर। तो चलते हैं, सबसे पहले मैंने अपने गूगल मैप्स में मार्क लगा लिया भाई, जल्दी से करना पड़ेगा क्योंकि अगर दिन हो गया ना भाई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फटाफट चलते हैं पहले अपनी लोकेशन पर। ओ ओ ओ ओ शिट भाई, बाइक बहुत फास्ट है, मेरी सारी गाड़ियाँ सुपर फास्ट है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को सुपर फास्ट कार्स बाइक ही पसंद है, बाकी रियल लाइफ में ही पसंद है, लेकिन रियल लाइफ में मैं कभी भी इतनी तेज नहीं चलाऊंगा क्योंकि भाई मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तो चलो चलते हैं आगे। ओके ओके ये वाली बिल्डिंग आ गई है भाई साहब, क्या अपार्टमेंट किराए पे रहता है क्या भाई, अमीर आदमी कहाँ से यार। ओके 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 मेरे हिसाब से क्या चीज़ है ये, कुछ अलग ही जगह है ये, पता नहीं क्या है, घर है क्या है, कुछ अलग ही चीज़ है, मेरे को तो लग रहा था घर होगा। फिलहाल हम यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, ठीक है अभी अंदर चलते हैं, अंदर कहाँ से जाना है। ओके तो अंदर का रास्ता पीछे से ही है, ठीक है मेन गेट से हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें एंट्री लेनी है बैक साइड से, गेट से एंट्री लेंगे तो भैया तो हो जाएगी फिल्म, बंदे हमें शक्ल देख के हमारे को पुलिस केस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें छत पर जाना है क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो छत पर ही खड़ा हुआ है। ओके तो भाई काफ़ी ऊंची छत है, सही है चलो। ओके तो गाइस अभी हम छत पर आ चुके हैं, और कहाँ पर जाना है, ओके एक और छत है, चलो भाई इस वाली छत पर भी चढ़ जाते हैं भाई। अब एक और छत है क्या, नहीं, ओ ओ ओ ओ, ओ बगल में ही खड़ा हुआ हेलीकॉप्टर भाई, ये अजीब सा, ओके भाई ये क्या मिरर है क्या पूरा, ओके भाई सब कैसा इनविजिबल सा लग रहा है भाई, क्या रिफ्लेक्शन आ रही है इस हेलीकॉप्टर की, वैसे कुछ सायरन वायरन तो नहीं बजने लगेगा ना भाई, कहीं मैं हेलीकॉप्टर में बैठे और पूँ 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 ऐसे ऐसे होने लग जाए। ओके तो बाकी भाई रिफ्लेक्शन देखो इस हेलीकॉप्टर की। तो चलो यार फटाफट से इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, अब हमें जाना है सीधा फ्रैंकलिन के पास, वहाँ से उसे उठाना है। तो हेलीकॉप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, अब चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास।
तो भाई यार मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को हेलीकॉप्टर कसम से चलाना नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ फ्रैंकलिन हुआ कहाँ पर। तो भाई माइकल को जो है करेक्ट लोकेशन नहीं पता है, बट एक एरिया पता है कि हाँ यार जो जेल वगैरह ना वो इस एरिया में है। तो अभी हमें अंदाजे से जाना पड़ेगा, वहाँ पर चलकर देखेंगे। और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर उड़ाना। ओके, तो हमने जो ऊपर की तरफ खींच लिया हेलीकॉप्टर को। अब भाई बहुत मुश्किल है ड्राइव करना। ओके, वैसे ड्राइव करना नहीं इसे कह सकते भाई, ये बहुत मुश्किल काम है। बाकी मैं चलता हूँ अपने मार्कर की तरफ। भाई ये हेलीकॉप्टर का अलग ही दिख रहा है, रात में तो गायब सा हो रखा है भाई, किसी को दिखेगा भी नहीं है। मतलब देख रहे हो अलग ही गायब सा हो रखा है थोड़ा, इतना पूरा मतलब कि मैक्सिमम इसमें ना मिरर से काम हो रखा है। भाई बहुत लाइट वेट हेलीकॉप्टर है, काफ़ी स्पीड में जा रहा है ये, 170 की स्पीड में हो चुका है अभी ये। ओके, तो सामने वाइनवुड के जो पहाड़ है वो आ चुका है, मेरे को वहाँ से हेलीकॉप्टर थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा वरना भाई पहाड़ में जाके टक्कर हो जाएगी अपनी। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। मेन अब हमें देखना है कि जेल कहाँ पर है। ओके, तो ये एरिया में हम कितनी जल्दी पहुंच गए भाई, अभी गाड़ी वाड़ी से आते तो टाइम लगता। ओके, वो रहा सामने की तरफ है जेल। ओके, मेरे को यहाँ से जेल दिख चुका है। अब एक बार ही ना फ्रैंकलिन को भी समझाना पड़ेगा कि उसे कहाँ पर जाना है, क्या करना है। रात हो चुकी है और उसे भी अपना मिशन अप करना पड़ेगा, मतलब उसका जो काम है उसे अप करना पड़ेगा, तभी माइकल भी उसकी हेल्प कर पाएगा। चलो, तो भाई अपना जो हेलीकॉप्टर है इस टाइम पूरा का पूरा जेल के ऊपर है। और देख लो भाई कितना बड़ा जेल है भाई, मतलब कितने कैदी भरे होंगे यहाँ पर। अब मेन काम है जो है हमें फ्रैंकलिन को बुलाना है, उससे मेन काम करवाना है। तो चलो पहले चलते हैं फ्रैंकलिन के पास। तो भाई अभी काफ़ी रात हो गई है और यहाँ पर जितने भी जेलर्स थे ना जा के सो गए हैं। कुछ बचे हैं जो कि बीड़ी सुट्टा मार रहे हैं साइड में खड़े होके। लेकिन यहाँ पर ना मेरा मेन प्लान था कि हेलीकॉप्टर जो है ना उसे छत पर लैंड करवाएंगे और यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन भाई हर छत पे गार्ड्स खड़े हुए हैं। अभी जो गार्ड्स हैं ना मेरे को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब माइकल एंटर होगा ना हेलीकॉप्टर लेकर भाई उसे भून देंगे। तो हमें सबसे पहले एक ऐसी जगह भी ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर ईजिली हेलीकॉप्टर लैंड कर जाए। तो यहाँ पर मैं सोच रहा ना इस वाली छत पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ के गार्ड्स को तो मैंने कल ही ठिकाने लगा दिया था। अब मेन टाइम है इसके ऊपर चढ़ना और अब देखते हैं कैसे कैसे हम और कितना ऊपर जा सकते हैं। मतलब कि ऐसी जगह पर जाना है ना जहाँ गार्ड्स ना हो थोड़ा आसपास। मतलब यार हेलीकॉप्टर आएगा तो इन्हें, ओ भाई सब एक खड़ा हुआ, एक क्या दो दो खड़े हैं। चलो चुपचाप दोनों को मारेंगे, इसको मैं मुक्के से मारता हूँ ताकि चुपचाप पता चले ना किसी को। मतलब ओ, 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 अबे कहाँ मार रहा है भाई ओ फ्रैंकलिन, क्या हो गया भाई, कौन से नशे हैं ये बात। चल एक रैप्टा जो मारा है ना, अब इसके मैं गन चला दूंगा चुपचाप एकदम, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर फायर करूंगा यार, पता ना चल जाए, क्योंकि ये रात का टाइम है, रात के टाइम पे क्या पता है इनका सीन कुछ और हो। ओके, मैं पहले ऊपर चले जाता हूँ। तो ये एरिया मेरा मेरे को थोड़ा ढंग का लग रहा है जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। बाकी थोड़ी तिरछी सी जगह है बट यहाँ पर भी काम मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहले नीचे वाले को मार देता हूँ, कहाँ चला गया वो। ओके, तो पता नहीं कहाँ चला गया, यहीं खड़ा था शायद, राउंड काट रहा है। ओके, ये रहा, चल। ओके, तो इसको तो मैंने मार दिया, मेरे को कोई कुछ नहीं कह रहा। वैसे यहाँ पर जेलरों को पता नहीं कुछ नहीं कहते, अगर कोई बाहर का बंदा आएगा ना भाई उसकी वॉट लगा देंगे। तो ये जगह मेरे को ढंग की लग रही है थोड़ा बहुत हेलीकॉप्टर लैंड करवाने के लिए। तो मैं फाइनली माइकल को बता देता हूँ कि भाई हेलीकॉप्टर जो है लेकर आना है और यहाँ पर लैंड कराना है, और फ्रैंकलिन सीधा जाएगा और हेलीकॉप्टर में बैठ जाएगा और दोनों यहाँ से निकल लेंगे। तो चलो यार सारा काम एकदम डन हो चुका है। अब है सबसे मुश्किल काम, हेलीकॉप्टर नीचे ले जाना है, सेफ लैंडिंग करानी है, उसके अंदर फ्रैंकलिन को बैठाना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होने वाला है अब यहाँ पर, क्योंकि पुलिस वुलिस सबका खतरा है, सब कुछ खतरनाक है। मेन है सेफ लैंडिंग हो जाए एक बारी, बाकी पुलिस से तो मैं भगा लूँगा, बस मेन यही है एक बारी सेफ लैंडिंग हो जाए। तो वो जो एरिया है जहाँ पर फ्रैंकलिन खड़ा हुआ है वो मेरे को यहीं से दिख रहा है, मतलब फ्रैंकलिन तो नहीं दिख रहा बट जहाँ पर वो खड़ा हुआ वो एरिया दिख रहा है। पता नहीं आगे वाले पे खड़ा था पीछे वाले पे याद नहीं आ रहा, बट चलते हैं एक बारी लेकर, एकदम आराम से चलेंगे भाई, क्योंकि मेरे को अच्छे से हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता इसमें। बाकी पूरी कोशिश करूँगा भाई मैं तो अपनी। एक तो यार कैमरा एंगल नहीं समझ आ रहा क्या रखा जाए हेलीकॉप्टर जिससे मेरे को पूरा व्यू मिले ग्राउंड का। ओके, तो कौन से वाले पे था भैया, फ्रैंकलिन। ओके, पीछे वाले पे, तो एक बारी हेलीकॉप्टर ऊपर करना पड़ेगा। बाकी अभी पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे क्योंकि उनको लग रहा है किसी नॉर्मल बंदे का हेलीकॉप्टर ऐसे ही जा रहा होगा, बट मैं यहाँ पर पूरा एकदम मजे मजे में उड़ा रहा हूँ और मैं फ्रैंकलिन को लेने आया हूँ मेन। देखते हैं यार पुलिस क्या कहती है हमें बाद में, जब हम इसको ये लेकर यहाँ से भागेंगे, क्योंकि यार हर छत पे गार्ड है, उन्हें सब दिख जाएगा जैसे हम लेकर भागेंगे। बाकी अगर उन्होंने हेलीकॉप्टर पे शूट करना शुरू कर दिया ना तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी हम एकदम आ चुके हैं ऊपर की तरफ, अब बस हमें यहाँ से अपने हेलीकॉप्टर को नीचे 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 ले जाना है। और वो खड़ा भाई फ्रैंकलिन, बस एक बार ये ना जल्दी से आकर बैठ जाए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो यार जैसे तैसे करके पूरा एडजस्ट किया, बस यहाँ पर हमें नीचे की तरफ में लैंड कराना है एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, वरना अगर हेलीकॉप्टर फूटेगा तो भाई जिसको बचाने आ रहे हैं वो तो जाएगा ही, और साथ में ये माइकल भी मर जाएगा भाई साहब, मतलब क्या गलत ही सीन हो जाएगा अगर हेलीकॉप्टर फूटा तो। तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, मतलब क्या यार पायलट चाहिए था इसके लिए, एक पायलट को भी किडनैप करना चाहिए था हमें। ओके, बाकी सेफ लैंडिंग हो गई है। ओ ओ ओ ओ, ओ बाकी बुरी तरह हेलीकॉप्टर पटक दिया गया यहाँ पर, लेकिन सेफ लैंडिंग हो गई है। अबे जल्दी से आ जा, एक सेकंड ये शायद कुछ कर रहा है, इसको बुला कर लाना पड़ेगा। ओए हेलो,
अच्छा अच्छा जल्दी अच्छा भाई हेलीकॉप्टर लेकर आ गए हम, फटाफट चल ले हमारे साथ। ओके तो यार अपने पीछे बहुत ही जबरदस्त पुलिस पीछे पड़ चुकी है, अब यहाँ से हमें फटाफट निकलना है। भैया जल्दी बैठ जा फ्रैंकलिन, मतलब यार इतना मुश्किल काम था, मतलब सीधा चार केस हो गए भाई फ्रैंकलिन को बैठाते ही। अब यहाँ पर मैं जाऊँ, ओ भाई एयरफोर्स, ओ शिट मैन एयरफोर्स आ गई है यहाँ पर, बहुत खतरनाक भाई साहब, मतलब यार क्या गलत ही सीन है यार, पूरे चार स्टार की पुलिस पीछे पड़ी है। मैं यहाँ से वैसे निकल तो लूँगा अगर एयरफोर्स मेरा पीछा कम करे तो, बाकी नीचे वाली पुलिस तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाकी यार अपना हेलीकॉप्टर वैसे काफ़ी सही स्पीड में जा तो रहा है अब, लेकिन मेरे को ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ पर है भाई साहब, ये तो डिसाइड नहीं था, सब कुछ डिसाइड था कहाँ से आना है कैसे करना है सब कुछ, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर रहा था अगर हेलीकॉप्टर में वाली बैठ जाएंगे तो जाना कहाँ पर है। बट जो भी यार पुलिस अपने से काफ़ी पीछे हम निकल सकते हैं। बाकी नीचे गाड़ियां क्या कर रही है, चोपर ही पकड़ सकते हैं हमें, मतलब यार जितने भी हेलीकॉप्टर है वही सब कुछ कर पाएंगे, ये तो कुछ नहीं कर सकते। ओके तो सामने एक पहाड़ है तो मैं सोच रहा हूँ सामने वाले पहाड़ पर अपना हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया जाए या फिर कहीं दूर ले जाइए। रेड रेड क्या हो रखा है यहाँ पर, यहाँ कुछ रेड रेड सा हो रखा है, यहाँ चले गया कहीं कोई भूत वूत निकल जाए भाई। ओके तो ये अलग ही सीन है यहाँ पर, अच्छा शायद लाइट्स लगा रखी है, ठीक है ले आ नहीं जाना भाई, मतलब यार कोई सिटी विटी का रास्ता दिखाओ भाई। ओके बाकी अपना हेलीकॉप्टर यार काफ़ी कम स्पीड में जा रहा है अभी, 138 की स्पीड में ही है, ज़्यादा स्पीड में नहीं है। बाकी रोड पे रोड नज़र आ रहा है सामने, बाकी अगर मैं पहाड़ पे लगा दूँ तो पुलिस, ओए इतनी जल्दी पीछा छूट गया पुलिस से, ओ भाई साहब विश्वास ही नहीं हो रहा भाई, हमने फ्रैंकलिन को बचा लिया वो भी इतनी आसानी से, ओ भाई चल भाई फ्रैंकलिन तेरे भी मजे आ गए भाई साहब, चलो भाई हंसी खुशी घर चलेंगे अब, मतलब यार मुझे नहीं पता था। ओ ये मिलिट्री बेस वालों का है क्या कि अपना एयरपोर्ट है, ये मिलिट्री बेस वालों का लग रहा है, एक मिनट। ओके भाई बच गए बच गए बच गए, वरना अभी खतरनाक वाली पुलिस पीछे पड़ जाती तो वो मिलिट्री बेस वालों का। तो अब मैं फ्रैंकलिन को उसके घर छोड़ देता हूँ यहाँ पर, तो चल भाई फ्रैंकलिन तेरी भी लाइफ हमने सेट कर दी यहाँ पर, बच गया तू, वरना तो भैया उम्र कैद हो जानी थी। तो बस अब इसको लेकर जाना है इसके घर पर छोड़ना है, और यहाँ पर जो इतना खतरनाक मिशन था इतनी चुटकियों में निपट गया भैया, पता भी नहीं चला। तो चलो गाइस हम अपनी अभी सिटी में पहुंच चुके हैं, भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है वाली सिटी। अब यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो इस सिटी की सबसे लंबी बिल्डिंग है, तो अभी मेरे को चेक करना है भाई अगर हम उस बिल्डिंग के एकदम टॉप पे जाएंगे तो हमें कैसा व्यू मिलने वाला है। बाकी अब हेलीकॉप्टर से व्यू देख लो भाई, कितनी तगड़ी सिटी है यार लॉस सैंटोस, भाई साहब मतलब क्या अलग ही लुक आ रही है। तो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो, अब इस बिल्डिंग पर मैं अपना हेलीकॉप्टर लैंड कराऊंगा और यहाँ पर देखेंगे मतलब कि जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है कैसी दिखती है भाई साहब, इतनी प्यारी लुक आ रही है ना। और मैं सोच रहा हूँ यार हेलीकॉप्टर ना वापस उसी की छत पे लैंड कर देंगे यार, वरना कहीं फिर से इसमें जीपीएस यूपीएस का सिस्टम लगा हो तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी हमारी छत पे हेलीपैड नहीं है, मतलब यार इसे कहाँ खड़ा करेंगे, ना फ्रैंकलिन की छत पे हेलीपैड है ना माइकल की छत पे हेलीपैड है, तो यार ये हेलीकॉप्टर उसी की छत पे खड़ा कर देंगे ताकि कभी जरूरत पड़े तो वापस वहीं से आकर ले लें। अब यहाँ पर ही वाली बिल्डिंग जो आ चुकी है, अब इस बिल्डिंग के हमें टॉप पे लैंड कराना। भाई कैसे चला लेते हैं यार पायलट्स, कैसे चला लेते हैं इसको भाई, मतलब कि देख रहे हो कितना ही गलत सीन है यार, कैसे लैंड होगा यार इतनी सी जगह पर, ये एकदम पूरा होल्ड कराना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। बाकी हमें तो व्यू यहीं से अच्छा लग रहा है, ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, उस पर लैंड होकर क्या ही देखेंगे, क्योंकि लैंड कराना इतना मुश्किल है भाई, मेरे बस की तो ना लग रही। मैं तो आगे कर रहा हूँ तो पीछे आ जा रहा, पीछे कर रहा हूँ आगे जा रहा है, एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, नहीं लैंड हुआ तो नहीं कराएंगे भाई, बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पर लैंड कराना। ओ ओ ओ ओ रुक जा बस 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 बस, ओए ओ भाई 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 ये क्या, ओ भाई जिंदा पहुँचना है घर, ये तो गया है तो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भाई, थोड़ा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अलग ही साउंड आ रहा है, तो मेरे को भी इसे एमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी भाई, ये फटफट ना जाए यार, धुआं बहुत तेज निकल रहा है क्योंकि अब और स्मोक लेवल बढ़ ही जा रहा है। वो नीचे चल भाई नीचे चल, मेरे को नहीं जाना घर, मेरे को यहीं उतार दो, हम अपना गाड़ी वाड़ी लेकर चले जाएंगे, तो इसे एमरजेंसी लैंडिंग करवा रहा हूँ भाई। ओए हट जाओ यार, रोड वोड खाली कर दो, हेलीकॉप्टर आ रहा है भाई, बाकी पुलिस वुलिस पकड़ेगी तो नहीं ना उतरते ही, मैं यहाँ सेंटर में ही लैंड करवा देता हूँ। ओए ओए कैसी कैसी आवाज़ें कर रहा है हेलीकॉप्टर भाई, मेरे को मरना नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके 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 सेफ लैंडिंग है, सेफ लैंडिंग है, चल 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 हो जाएगा हो जाएगा। ओ गाइस फाइनली क्या सेफ लैंडिंग मारी है, और भाई हेलीकॉप्टर में से पीछे से कितना धुआं निकल रहा है। ओके तो भाई ओए गाड़ी दे चल, अरे बदमाश की शक्ल देखो तुम भाई साहब, मतलब फ्रैंक, चलो ओह ये उसके ऊपर से पैर रख के निकली है। अच्छा भाई फ्रैंकलिन बैठा फटाफट, अभी हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करने, वरना इन कपड़ों में अभी भी कोई पहचान लेगा। अबे भाई ये कितनी तेज, अरे 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 क्या हो गया इसको, इसको तो हम कुछ कह भी नहीं रहे,
तो चलो यार अभी फटाफट चलते हैं पहले माइकल के घर पर, वहां पर चल के ये दोनों अपना चिल मारेंगे या फिर कहीं चलते हैं किसी चिल बार में, फिर उसके बाद ड्रेसअप वगैरह करना है। और बाकी जो हमारा मिशन था फ्रैंकलिन को उम्र कैद वाली जेल से लेकर आना, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से। पुलिस को भाई भनक तक तो हुई थी, मतलब एकदम एंड में जब हेलीकॉप्टर हम लाए थे उनके बेस में जेल में, तब उन्हें पता लग गया था कि हाँ भाई कोई तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन 4 स्टार की पुलिस पड़ी और हेलीकॉप्टर जो भगाया है ना भाई माइकल ने, बेचारे को दिखे भी नहीं, हम ऐसे गायब हुए थे भाई, खतरनाक है यार। तो चलो अभी कहीं चलते हैं किसी बार बार में चिल मारेंगे ये लोग आराम से, फिर उसके बाद चलेंगे घर पे। तो चलो गाइस अभी जो हमारा घर है वो आने वाला, अब यहाँ पर चलकर सबसे पहले कपड़े उपड़े बदलेंगे, फिर उसके बाद गाड़ी में बाहर ही लगा देता हूँ क्योंकि ये बड़ी घटिया गाड़ी है, इसको अंदर नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पर घर पर सबसे पहले कपड़े उपड़े बदलेंगे, फिर उसके बाद सीधा चलेंगे अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर किसी ढंग के रेस्टोरेंट वगैरह में पार्टी शार्टी करने, क्योंकि भाई वापस घर आ गया अपना, तो तू भी आ जा भाई घर में, कोई दिक्कत की बात नहीं, कपड़े बदल लियो आज, अपने कपड़े पहन ले जल्दी, आ जा फटाफट ऊपर। तो चलो भाई इसके कपड़े उपड़े बदलवा देते हैं। तो चलो यार अभी दोनों लोग रेडी हो चुके हैं, अब इनको लेकर चलते हैं फ्रैंकलिन भैया को अपनी लैम्बोर्गिनी पे। ये भी खुश हो जाता होगा भैया लैम्बोर्गिनी में बैठने के बाद, चल आ जा भाई अब इसको लेकर चलेंगे एक छोटी सी राइड पर, और वहीं पर इनका खान पान भी हो जाएगा थोड़ा, जो भी इन्हें पार्टी करनी पड़ेगी। तो चलो यार अभी फ्रैंकलिन को एक लैम्बोर्गिनी की राइड भी मिलने वाली है, मतलब यार लोंडा खुश हो जाएगा भाई, उसे पूरी उम्मीद भी थी कि वहां से वो निकल कर आ जाएगा, मतलब कि यार इतनी तगड़ी सिक्योरिटी, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं, बट यार हेलीकॉप्टर से लेकर आया उसे माइकल। अब बेचारा वो अंदर भी माइकल की वजह से गया था, क्योंकि जो उसे गाड़ी गिफ्ट करी थी वो माइकल ने करी थी, बट अभी ये दोनों जो है सेफ हो चुके हैं। अब बस खतरा इन्हें पता किस चीज़ से है, वो जो ज्वेलरी की दुकान में इन्होंने चोरी नहीं करी थी, अब बस वहाँ से थोड़ा बहुत खतरा है, क्योंकि ये लोग एकदम ओपन में घूम रहे हैं, मतलब यार खुले घूम रहे हैं, और इतनी बड़ी चोरी इन्होंने कर रखा है, तो बाकी पुलिस वगैरह वाले ने पहचान ना ले, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी यहाँ पर इसे लेकर चलते हैं सीधा, भाई कितनी तेज चलती है ना ये गाड़ी यार, मतलब देख लो पहुँच भी गए, एक सेकंड भी नहीं लगता यार पहुँचने में सीधा। ये आ गई शॉप सामने, अब सीधा चलेंगे शॉप के अंदर, और यहाँ पर ये दोनों अपना पार्टी शार्टी करेंगे, तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। तो भाई देख लो कितनी तगड़ी गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, इसीलिए मेरा मन करता है इसे चलाने का दबाकर। हेलो भाई अपना फुल एकदम चढ़ा वड़ा कर आ गए, विस्की विस्की ये देख लो भाई, फुल विस्की विस्की पी लिया, और कुछ नशे नहीं है भाई। अब फ्रैंकलिन को घर पर छोड़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, अब माइकल को इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वो नशे में भी चला सकता है गाड़ी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके तो पास में ही छोड़ना है इसको, मैं आराम से छोड़ू भाई 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 कुछ ज्यादा हो रही। लो भैया आ गया, खर्चा बैठ गया भाई, गाड़ी पर रिपेयर करानी है, वापसी में करा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओ भाई क्या चल रही है, ओए भाई कुछ ज्यादा नशे हो गए, मैं तो जरा चला लूंगा। ओके तो इसे यहीं पर उतारना है, चल भाई जा अपना, चलो। तो चलो यार यहाँ पर हमने इसको तो छोड़ दिया है, अब माइकल को अपने घर जाना है, और भाई मतलब कि आगे से ठुक गई है थोड़ी गाड़ी, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ज्वेलरी की शॉप में चोरी कर लिया तो पैसा आ चुका है, आराम से रिपेयर कराएंगे इसे। अब देखते हैं कहाँ पर इसका घर, पास में है घर से, कोई दूर तो है नहीं, हम आराम से पहुँच जाएंगे घर पर। अब देखो भाई नशे में कैसे चलाता है माइकल, तो भाई साहब इस टाइम माइकल को फुल नशे हो रखे हैं, और आप देख पा रहे हो स्क्रीन कैसे हिल रही है, मतलब कि यार जो बंदा ड्रिंक करता है ना तो उसको भी कुछ ऐसा ही दिखता होगा, तो यार कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, इससे हमें यह पता चलता है। अब यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है घर पर आ चुकी है, और गाड़ी पर थोड़ा बहुत खर्चा बैठ चुका, आगे से ठोकर लग गई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, रिपेयर करवा लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगी रिपेयर। पैसा भी इस टाइम बहुत पड़ा हुआ है माइकल के पास भी, क्योंकि भाई ज्वेलरी शॉप में चोरी करी है, और उसका सारा पैसा ना अभी लेस्टर के पास है। अब देखते हैं लेस्टर कब तक देगा, देखते कितना देगा, वैसे वो खुद तो ज़्यादा ही रखेगा क्योंकि यार मेन प्लान ही उसका था। तो चलो यार अपनी गाड़ी अंदर खड़ी कर देते हैं, और भाई सब कुछ अब एकदम सेफ है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है भाई माइकल और फ्रैंकलिन दोनों की। तो चलो यार आज की इस वीडियो में इतने, अगर आपको वाली वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को जगह लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो गाइस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में @ujjwalgamer फटाफट जाकर इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक दोनों पर फॉलो कर लो। तो चलो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।